तमिलनाडु में कृष्णा नाम का कॉलेज था जो अपने सख्त नियमों के कारण प्रसिद्ध था। पिछले कुछ समय से उस कॉलेज के एक शौचालय से विद्यार्थियों की लाशें बरामद हो रही थी। उस शौचालय में अजीब अजीब संदेश लिखे मिलते। विद्यार्थी उस शौचालय को शापित मानने लगे थे। काशी ने कॉलेज में नया दाखिला लिया था, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता क्योंकि कॉलेज में सिर्फ अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग होता था। Listen students, don't speak Hindi or Punjabi in class. You can speak only in English. एक दिन दो सीनियर स्टूडेंट काशी की रैगिंग करने लगे। अबे सुन, तू क्या नया आया है कॉलेज में? चल अपना नाम बता। मेरा नाम काशी है भैया, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। चल तू ऐसा कर, छोटी एबीसी सुना। छोटी एबीसी? ठीक है, छोटी ए, छोटी बी, छोटी सी, छोटी डी। तभी उनकी क्लास टीचर लिजा मैडम वहाँ आई और उन्हें डांट कर क्लास में जाने के लिए कहा। लिजा मैडम की क्लास के बाद रिसेस हो गई और काशी पेशाब करने के लिए शौचालय की ओर गया। तभी वहाँ चौकीदार आ गया। कहाँ चले आ रहे हो? क्या सुसाइड करने का इरादा है? नहीं भैया, मुझे बाथरूम जाना था, बहुत जोर के प्रेशर लगा है मुझे। तो तुम न्यू स्टूडेंट हो, तभी तुम्हें इस बाथरूम की कहानी नहीं पता। जिंदगी प्यारी है तो वापस चले जाओ। चौकीदार की बात सुन काशी वापस क्लास की ओर चला गया। ये बाथरूम का क्या माजरा है मीनाक्षी? किसी को भी असली सच नहीं मालूम, लेकिन जो भी उस वॉशरूम में जाता है वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। काशी पेशाब करने के लिए किसी दूसरे शौचालय की ओर गया, परंतु वहाँ पहले ही काफी भीड़ जमा थी। वह वापस मुड़ गया और उस शापित शौचालय की ओर बढ़ने लगा। इस बाथरूम के प्रेशर से तो मौत ही अच्छी है, अब और दर्द सहा नहीं जाता। आज उस भूतिया बाथरूम में जाना ही पड़ेगा, जो होगा देखा जाएगा। पेशाब करने के बाद जब वह हाथ धोने लगा तो उसे अजीब आवाजें सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि एक भयानक चुड़ैल उसके सामने प्रकट हो गई थी। ए लड़के, तू कौन है जिसने मुझे डिस्टर्ब करके बहुत भारी गलती की है? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जी मैं काशी हूँ, मैं अभी कॉलेज में नया हूँ। वाह, तुम तो हिंदी बोलते हो, नहीं तो ये सारा कॉलेज अंग्रेजी के पीछे पागल हुआ पड़ा है। मेरे पिताजी ब्राह्मण हैं, इसीलिए मुझे हिंदी लिखना बोलना पसंद है। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? और आप लोगों की जान क्यों ले रही हैं? मैं मीना हूँ, उदास मीना। मैं भी कभी इस कॉलेज की स्टूडेंट थी, मुझे भी तुम्हारी तरह अपनी मातृभाषा हिंदी बोलना पसंद था। अंग्रेजी मेरे सिर के ऊपर से निकल जाती थी, इसी कारण एक दिन लीजा मैम ने मुझे बेइज्जत करके सारे कॉलेज में घुमाया। मुझसे ये सहन नहीं हुआ और मैंने यहाँ इस बाथरूम में खुदकुशी कर ली। अब मैं अंग्रेजी बोलने वाले हर व्यक्ति को मार डालती हूँ, यही मेरा प्रतिशोध है। आपके साथ बहुत गलत हुआ मीना, लेकिन किसी की जान लेना बहुत बड़ा गुनाह है। कृपया आप लोगों को मारना बंद कर दे। ठीक है, यदि तुम इस कॉलेज में हिंदी बोलना अनिवार्य करा दो तो मैं वादा करती हूँ कि आगे से किसी को नहीं मारूंगी। लीजा मैम को भी उसके किए की सजा मिलनी चाहिए और हर साल यहाँ हिंदी दिवस मनाना होगा। मैं कोशिश करूंगा कि आगे से कॉलेज में हिंदी दिवस मनाया जाए और हिंदी बोलना अनिवार्य कर दिया जाए। मैं आपके दोषी को भी दंड दिलवाने की कोशिश करूंगा। काशी ने मीना से किया हुआ वादा निभाया और लिजा मैम को उसके किए की सजा दिलवा दी। अब कॉलेज का नाम भी हिंदी में लिख दिया गया और सभी के लिए हिंदी बोलना अनिवार्य कर दिया गया। अब वहाँ हर साल हिंदी दिवस भी मनाया जाता। इसके बाद कृष्णा कॉलेज में फिर कभी भी कोई मौत नहीं हुई। दोस्तों, मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। रब राखा।